इंदौर की जूनी इंदौर पुलिस ने 3 चोरों को पकड़ा है। इन चोरों ने एक प्रॉपर्टी कारोबारी के यहाँ लाखों की चोरी की थी। इस चोरी का पर्दाफाश करने में पुलिस की मदद भी चोरों ने ही की है। दोनों बदमाशों को जब पुलिस ने चोरी की घटना की सीसीटीवी दिखाए, दोनों बदमाश ने पुलिस को चोरों के नाम बता दिए। बदमाशों ने यह भी बताया कि वे दोनों ही चोर कुछ दिन से हमारे संपर्क में थे। पकड़े गए चोर नशा करने के आदि हैं। टीआई योगेश सिंह तोमर के मुताबिक इलाके में तरुण का प्रॉपर्टी का कारोबार है। नवलखा इलाके की बिल्डिंग में गोल्ड रियल्टी के नाम से तरुण का ऑफिस भी है। एक दिन पहले उनके ऑफिस के साथ अन्य जगह के भी ताले टूटे थे। चोर यहाँ लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गया। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने इनकी तलाश शुरू की। पुलिस ने इस मामले में विठल उर्फ हर्ष यादव, हर्ष ठाकुर, रितेश पवार को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने लॉकर को लोहे के औजार से तोड़कर उसमें रखे लाखों रुपए चुरा लिए थे। आरोपियों से पुलिस ने 5.5 लाख रुपए नकद और लैपटॉप सहित अन्य सामान जब्त किया है। पुलिस के मुताबिक तीनों नशा करने के आदि हैं। रात में वे नवलखा स्थित बिल्डिंग में घुस गए थे। यहां आधा दर्जन दुकान और ऑफिसों को निशाना बनाया, लेकिन बदमाश यहां लगे कैमरों में कैद हो गए थे। जूनी इंदौर थाने के सिपाहियों ने फुटेज लेकर जेल से छूटकर बाहर आए बदमाशों को फुटेज दिखाए। दोनों बदमाशों ने विठल को पहचान लिया था। इन बदमाशों की निशानदेही पर पुलिस ने विठल को पकड़ लिया। रात में उसे थाने लाकर पूछताछ की गई। उसने अपने साथियों के नाम कबूले हैं। पुलिस तीनों आरोपियों से और वारदातों को लेकर पूछताछ कर रही है।